अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हमारा आमना सामना तकदीर में लिखा था। ये गीत अर्तुरुल भाई, शहजादे काई वाले किले में दाखिल हो गए। कैसे कैसे अंदर दाखिल हो सकते हैं वो? एक साथ पूरी ताकत लगानी होगी। जी भाई। शाबाश, अब खुलेगा इंशाल्लाह। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। रहम करें हम पर। इसे देखकर तो कुर्दोगलू का ख्याल आ रहा है। जब मौका मिले तो वार कर देते हैं और जब जान पर बनाए तो रहम की भीख मांगते हैं। बाहर लाओ इन काफिरों को, सहन के बीच में सजा दूंगा इन्हें।
इतने बड़े बड़े फितने तुम्हारे इस छोटे से सर में है? तेरा खेल खत्म हो चुका है इब्लीस। मैं इस किले को ही तेरे लिए जहन्नम बना दूंगा काफिर। जिंदान में ले जाया जाए से, इसे मैं खुद सबक सिखाऊंगा। बस दिल हो तुम, मारना है तो मार दो मुझे। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम नौजवान, मौत की भीख मांगोगे मुझसे। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि मुझे ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ। जैसा कि सुलेमान शाह ने कहा था, लेकिन शहीद का रुतबा तो ना हासिल कर सका मैं, लेकिन अर्तुरुल के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में परचम लहराते देख लिया। ये किला अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा और अब इस किले पर काई परचम सरबलंद है। या रब, सुलेमान शाह और उनके बहादुर बेटों ने अपने हमरा लड़ने का शर्फ बख्शा मुझ नाचीज को, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। बैठो देली गाजी, बैठो। जख्मी हो तुम? सरदार, ये जख्म तो एजाजी तमगे है मेरे लिए। इन्होंने अल्लाह के सामने मेरी इज्जत रख ली और आपके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। मेरे लिए एजाज है ये। जब तक देली गाजी और तुम जैसे बहादुर शहादत को अपने अल्लाह का इनाम समझने वाले मौजूद हैं हमारे दरमियान, तो ये बदबख्त ही नहीं बल्कि आलमे इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर किस्म का फितना और फसाद इंशाल्लाह मुंह की खाएगा। इंशाल्लाह बाबा। तुम सबने आज मेरी इज्जत बढ़ा दी है, और सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उस खान की नस्ल का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया है। आपने हमारे काई परचम की लाज रख ली है। ये परचम हमेशा सर बुलंद रहे। अल्लाह आप सबसे राजी हो। तातो सारपूत, मवेशियों का ताजर। मवेशियों का नहीं, फितनों का ताजर। अंताकिया से हलब तक, शाम से कोनिया तक, हर फसाद के पीछे यही शैतान मुलव्विस था। उस्ताद इब्लीस, इब्राहिम को आग ने जरर नहीं पहुंचाया, कुआं यूसुफ को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और कोई फिरौन मूसा पर हुकूमत नहीं कर पाया। जानते हो तुम्हें जहर किसने दिया था? तुम्हारे अपने कार्डिनल थॉमस ने।
हैरान क्यों हो रहे हो? इज़ादोरा को जहरीला खंजर भी उसी ने दिया था और इस वक्त कार्डिनल हमारे कब्जे में। तुम लोग कयामत के दिन ओंधे मुंह, अंधे, बहरे और गूंगे उठाए जाओगे, याद रखना, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। और उसकी आग जब भी बुझने लगेगी तो उसे और भी ज्यादा भड़का दिया जाएगा। जहन्नम के अजाब से तुम नहीं बच सकते। उठ, चल। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता, मुझ पर हराम है मौत। मुझे इजाजत दीजिए सरदार। आज तुम्हारा दिन है तुर्कुत, ये इंतकाम तुम्हारे लिए बिल्कुल हलाल है। सरदार, किला मुकम्मल हमारे कब्जे में आ चुका है। शहीदों के कफन का इंतजाम किया जाए, पड़ाव में ही दफन करेंगे हम इन्हें, और इन काफिरों की लाशें जिंदान में डाल दो। जो आपका हुक्म। जाते हुए इस किले को काफिरों का कब्रिस्तान बनाकर जाएंगे। अर्थुर, इनका मसला भी हल कर दो। जो आपका हुक्म। हमजा, सजा दो इन्हें। जो आपका हुक्म भाई। टाइटस का क्या हुआ? लगता है जमीन निकल गई है उस बदसात को। टाइटस, वो भाग नहीं सकता कहीं, इसी किले के अंदर कहीं छुपा बैठा होगा। हर कोना छान मारो। जो आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म भाई। Mm-hmm.
लाइए बाजी, मुझे दीजिए। तुम बैठो, मैं ले जाऊंगी। वहां से कोई खबर आई? नहीं कोक जी, लेकिन जल्द अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। दुआ है कि तुरकुत जल्द अपने घोड़े पर बैठकर खुशखबरी लेकर आए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था मुझसे आइकिस, एक जंगजू की बीवी होना आसान नहीं होता। अब कहीं जाकर मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। हमारे दिल मैदाने जंग में अपने मर्दों के साथ ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक वो जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे आलम इस्लाम को कोई खतरा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अच्छी खबर आई होगी। इंशाल्लाह। या अल्लाह, हमें अच्छी खबर सुनाना मेरे मालिक। अल्लाह का शुक्र है बाजी। ये कहत खुश आमदीद। गुंदोग तो भाई ने बचाया मुझे, बहुत बड़ी जंग हुई थी हमारी। शुक्र खुदा का हम कामयाब रहे, अब वो सलीबी किला हमारे कब्जे में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय मखानम, सुलेमान शाह ने आपके लिए सलाम और दुआएं भेजी हैं। कुफार का किला फतह कर लिया है हमने। कबीले में फितना फैलाने वाले सब जहन्नम वासिल हो चुके हैं। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, बहुत शुक्र है तेरा मालिक। सुलेमान शाह जिंदाबाद, सुलेमान शाह जिंदाबाद। जाओ जल्दी से कुर्बानी करो जानवरों की, हम जश्न का एहतमाम करेंगे। जरूर है मखातून, लेकिन हमारे बहुत से मुजाहिद शहीद भी हुए हैं। सरदार ने कहा है कि आप लोग जख्मियों के इलाज के लिए तैयारी करके रखें। सुलेमान शाह से कहना बेफिक्र रहें, मुकम्मल हो जाएंगी तमाम तैयारियां। मेरे शौहर और मेरे बाबा वही महाज पर हैं, वो दोनों ठीक है ना? शुक्र है वो दोनों ठीक है आइकिस। आपके बाबा बहुत बहादुर हैं, किले का दरवाजा उन्होंने ही खोला था। अर्तुरुल भाई ने फसल पर चढ़कर अपना परचम भी लहरा दिया, हमारे कब्जे में किला। जिंदाबाद मेरा शेर बेटा। और मेरा घर वाला? और मेरे बेटे की कोई खबर है तुम्हारे पास? जंगजू गुने के बारे में कुछ पता है भाई? मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी बहनों, गाजी भी हमारे हैं और शहीद भी। जिस घर का भी कोई सिपाही शहीद हुआ है वो हम सब का शहीद है। हरगिज आंसू बहाकर शहीदों की रूह को तकलीफ मत दीजिएगा। शहीदों की माओं को सलाम है। हमारे शहीद जन्नतुल फिरदौस में मुकीम है। काय की औरतें अजमत और हौसले की मिसाल है। चले अब उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी शुरू करें सब। चले शाबाश। जी है मां खातून। Thank you.
बुजदिल टाइटस, वो यहीं छुपा हुआ है भाई। मैं जानता हूं जान बचाने के लिए किसी कोने में छुपा बैठा है बुजदिल। भाई ये अपनी जुबान नहीं खोल रहे। खोलेंगे। जुबान नहीं खोली तो इनके टुकड़े कर दूंगा मैं। बोलो बदमाश, जल्दी बोलो। मत पूछो इनसे बंसी, वो इसी किले में है लेकिन किसी ऐसी जगह जो हमें नहीं मालूम। जल्द या बदेर निकल आएगा बाहर। मैं उसे जरूर ढूंढ के रहूंगा। वो जब तक जिंदा है सुकून का सांस हराम है मुझ पर। बिल्कुल ठीक कहा, खत्म कर दूंगा तुम लोगों की नस्लें। दस्तावेजात के मुताबिक तो इन बदबख्तों ने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी भी तरह पापा आजम और बादशाह फ्रेडरिक को एक और सलीबी जंग के लिए तैयार कर सके। मुसलमान रियासतों के दरमियान खाना जंगी करवाने के लिए भी इन्होंने बेहद कत्लोगारत की है। सियासत और फौज दोनों में बहुत से लोग इनके हाथों बिक चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने दरमियान से भी मस्बत ईसाई आवाजों को सफाकी से कत्ल किया है। सलीबियों ने जब कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया था तो इन काफिरों ने बहुत से मासूम लोगों का खून बहाया था। कुस्तुनतुनिया के अलावा भी इन्होंने बहुत सी जगहों पर जुल्म ढाया है सुलेमान शाह, और आज भी जारी है इनका ये जुल्म। ये अपने मकसद के हुसूल के लिए अपने लोगों को भी मारने से गुरेज नहीं करते। यानी ये दूसरे कलीसा वाले ईसाइयों पर भी रहम नहीं खाते। ये सब कुछ सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचना चाहिए अफसन पाशा। मैं जरूर उनकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन यहां जो नाम दर्ज हैं उन नामों को पढ़कर मैं शदीद परेशानी का शिकार हो गया हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें मजीद देखना चाहूंगा। आपको मेरी तरफ से पूरी इजाजत है अफसन। वाह 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 वाह। जालिमों ने ना जाने किस किस का हक मार के ये सब दौलत जमा की है। हमारे कबीले और दूसरी इस्लामी रियासतों में इसी सोने के जरिए गद्दार खरीदे जा रहे थे। तुर्गुत भाई, हम लोग इसका क्या करेंगे? सुलेमान शाह जो चाहेंगे वही होगा, वही सही फैसला ले सकते हैं। Thank you.
माले गरीमत में से एक हिस्सा शौदा के अहले खाना को जाएगा और एक हिस्सा करीबी ईसाई आबादी को जाएगा, ताकि वो अपने नुकसान का अजाला कर सके। वो इतने अरसे से काफिरों के भारी बोझ तले दबे हुए थे, कुछ आसानी हो जाएगी उनके लिए, और जो बच जाए वो कबीले के अफराद में बराबर तकसीम कर दिया जाए। आपका जो हुक्म बाबा। टाइटस का कुछ पता चला? नहीं भाई। जारी रखो तलाश, उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। जी भाई, जैसा आपका हुक्म भाई। लगता है वक्त आ गया है मरने का। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जिंदा रखेंगे, इसलिए ताकि पापाए आजम को खबर हो जाए कि हम तुर्क क्या कर सकते हैं। वैसे अफसन भाई के मक्तूब के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कुस्तुनतुनिया या रोम जाने की हिम्मत भी होगी तुम्हारे अंदर। इसे हिम्मत करना होगी भाई। पापाए आजम तुर्कों की फतह की खबर सुनने को बेचैन होंगे। जाओ बता दो उन्हें। सवारी तैयार है तुम्हारी? और हां, अपनी आंखें खुली रखना, लोग कहीं अंताकिया पहुंचने से पहले ही तुम्हें मारना डाले। अर्तुरुल, इब्नुल अरबी के संदूक में ऐसा क्या राज मौजूद है? एक ऐसा तोहफा जो अपने हामिल के लिए बायस एहसास होगा, और बस। उस संदूक से कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। यह सिर्फ आगाज है, हजार साल भी गुजर जाए ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल, हजारों साल गुजर जाएं फिर भी तुम्हारा पीछा करती रहेंगी हमारी नस्लें। तुम्हें चैन की नींद कभी नसीब नहीं होगी, तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। कब से तबीयत खराब है आपकी? अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन इन हालात की वजह से मैं किसी को कुछ बता ही ना सकी। सलजान खातून, आप फिर उम्मीद से हैं? अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द मां बन जाएंगी। जिसका डर था वही हो गया, अब मैं क्या करूंगी? कौन मेरा यकीन करेगा? तुम्हारे बाबा का सुनकर अफसोस हुआ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। जजाक अल्लाह दुंदार भाई। इंशाल्लाह तुम अपने हाथों से इंतकाम लोगे एक दिन। दुंदार भाई, मैंने अपने बाबा का इंतकाम लेने की कसम खाई है। आपने अपनी जान पे खेलकर कबीले को बचा लिया, बहुत बहादुर हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, काफिरों को मजा चखा दिया हमने। बाहर से होकर आते हैं हम। वालिदा, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है बेटा। इस उम्र में पता चल जाता है कि बड़े होकर ये क्या करेंगे। दोनों का खून जोश मारा है कि वो जल्दी से बड़े हो जाएं और अपने भाइयों की तरह दुनिया फतह कर लें। ठीक कहा वालिदा, ये गीत को भी बहुत जल्द जला ला जाता है। अर्तुरुल जब इस उम्र में आया था तो बहुत संजीदा हो गया था, घुड़सवारी का बहुत शौक था उसे और कुश्ती लड़ना भी बहुत पसंद थी। अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को आराम से शेर कर देता था। बचपन से ही बहुत फरमाबरदार है, कभी तंग नहीं किया हमें। बहुत मुख्तलिफ बच्चा था,
शुरू से ही कुछ अलग खसूसियात देखी हमने उसमें। माशाल्लाह वालिदा, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी औलाद की। मेरी बेटी, मर्द एक मुंह जोर घोड़े की तरह होता है, अगर वो अड़ियल हो जाए तो आसमान सर पे उठा लेता है। घर में सुकून रखने की खातिर एक अच्छी औरत मर्द को काबू करने की कोशिश कभी नहीं करती, क्योंकि मर्द की फितरत में हाकमियत होती है। हाँ, अलबत्ता एक अच्छी बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है, तुम्हें भी उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, उसकी फरमाबरदार बन के रहना है, फिर वो तुम्हारा वफादार बन के रहेगा पूरी ज़िंदगी। अगर औरत अपने मर्द की फरमाबरदार नहीं होती तो वो उसे छोड़ने में देर नहीं लगाता। मैं हर नसीहत याद रखूंगी। अर्तुरुल के वापस लौटते ही सुलेमान शाह तुम दोनों का निकाह पढ़वा देंगे, और इसीलिए कल से ही तुम्हारा खैमा तैयार करवाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है ना बेटी? जी ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। अलविदा चरवाहो, जल्द आखिरी मुलाकात होगी। इन काफिरों ने बहुत खतरनाक मंसूबा बंदी की इस्लाम के खिलाफ, हर किस्म का हरबा आजमाया, साजिशों का गहरा जाल बिछाया। अगर हम कामयाब हो गए तो दुनिया के नक्शे को बदल के रख देंगे। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। तुर्कों को हमने जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोतों से लड़वा दिया, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। फतह हमारे कदम चूमेगी, उस पर हम हुकूमत करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनके मंसूबों को खाक में मिला दिया और इस किले को फतह कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वार करने की बारी हमारी है। वो देखो, वो रहा उत्तगत, बहुत यादें हैं वहां की, वो बुलंद पहाड़, वो ठंडी हवाएं और वो बहता हुआ दरिया का पानी। इंशाल्लाह जरूर एक दिन हम अपनी सरजमीन वापस जाएंगे। फरजन, हम औस खान की औलाद की हैसियत से इस बात के पाबंद हैं कि हम अपना सफर मगरिब की जानिब जारी और सारी रखें। दंदना गान की फतह के बाद
मोहतरम तुगरल ने एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया और ओस कबीले के मुस्तकबिल के बारे में अपना फैसला सुनाया। हमारा हदफ वो सरजमीन है जहां सूरज डूबता है। सरदार, टाइटूस हमारे लोगों को मारकर फरार हो गया है। अब उसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है जब तक वो खुद किसी तरह सामने ना आ जाए। इसका मतलब भाग गया वो गीदड़ और जाते जाते हमारे दो जांबाज भी शहीद कर गया। हमने देख लिया है कि इन गीदड़ों से मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं। हमारा जज्बा ईमानी और हमारी कुव्वत बाजू इन काफिरों के लिए काफी है, लेकिन ये तारीकी में छुपकर हम पर हमला करते रहेंगे। इन्हें रोकने के लिए जरूरी है कि हमारी एक मजबूत रियासत हो। बाबा, दुरुस्त कहा है तुमने। पहले एक रियासत का कयाम जरूरी है। अयूबी सल्तनत भी बिखर चुकी है। सलजुक शहजादे आपस में ही दस्तोगिरे पा है। आलम इस्लाम को एक मरकज की जरूरत है, इसलिए पहले हमें एक ताकतवर रियासत कायम करना होगी। मेरे भाई, बाबा अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी तरह अंदाजा है फरजन। अर्थरुल की बात ठीक है, अब अपनी सल्तनत का कयाम हमारा नस्बुलाइन होना चाहिए। अलजीज हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन कोई भी हुक्मरान या कोई भी बादशाह अपनी सल्तनत पर किसी दूसरे कबीले को अपनी रियासत बनाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अगर आजाद रियासत का कयाम अल्लाह ने लिख दिया तो हालात का रुख खुद ब खुद बदल जाएगा। मेरी जिंदगी का कुछ नहीं पता। इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने के लिए तुम ही लोग खड़े हो गए। कबीले का मुस्तकबिल तुम दोनों के हाथ में है। मेरे बच्चों, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हमेशा मिलकर रहना, मजबूत रहोगे। तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा एक साथ रहना है। इंशाल्लाह बाबा। क्या हुआ बाबा? बाबा, अब मैं आराम करूंगा, तुम भी जाकर सो जाओ। सुबह सवेरे नमाज शुक्राना अदा करके रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी कमर पर फैल चुका है।
कबीले वापस जाकर इब्नुल अरबी से बात करेंगे, शायद उनके पास कोई इलाज हो इसका। जाने कैसा जख्म है कि ठीक होने में ही नहीं आ रहा। उस कबाइल के सरदारों का इज्तिमा हो रहा है, सफेद दाढ़ी वालों को इल्म है इसका। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके इल्म में ना हो अर्दरुल भाई। सलजुक सल्तनत और उस कबाइल के सरदारों को उन्हीं ने दावत दी है। क्यों बुलाया गया है उस कबाइल को? वो एक मुश्तरका महाज कायम करना चाहते हैं मंगोलों को अनातोलिया पे चढ़ाई से रोकने के लिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा अफसन पाशा, वरना ये मंगोल सलीबियों से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे हमारे लिए। मंगोलों ने अनातोलिया में जासूसों का जाल बिछा रखा है, हर तरफ उनके लोग मौजूद हैं। बहुत मोहतात रहना होगा अर्तुरुल भाई। इंशाल्लाह अफसन पाशा, पहले कबीले चलते हैं। बहुत अरसा हो गया फतह का जश्न नहीं मनाया, हर किसी का हौसला बढ़ेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आपका। जंग हमने लड़ी लेकिन फतह अल्लाह की है। आए नमाज शुक्राना अदा करते हैं। नियत करता हूं अल्लाह की रजा के लिए दो रकत नमाज शुक्राना अदा करने की। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ए जमीन व आसमान के खालिक, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें बेयार व मददगार ना छोड़ना। आमीन। हर जिहाद में फतह दे। आमीन। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमारी शहादतें कबूल फरमा। आमीन। आलम इस्लाम को एक बार फिर रूज अता फरमा। आमीन। अल-फातिहा। किला फतह करने वाले मेरे बहादुर बेटों, हर दिन की रात होती है और मेरा दिन भी अब इख्तिताम के करीब है। मुमकिन है कि मेरा आपके साथ ये आखिरी जिहाद हो। मेरी आप सबको ये वसीयत है कि कभी जिहाद से जी मत चुराना, अपने सरदार से, रवायात से और अपने लोगों से और अपने दीन से कभी गद्दारी मत करना। हम मुट्ठी भर अफराद ने अपनी हिम्मत और जज्बा ईमानी के बल पर ये किला फतह किया है, इसलिए कभी अपना यकीन और इत्तेहाद टूटने मत देना। अल्लाह ताला ताअबद तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन।
तुम्हारी मौत तक हार नहीं मानूंगा अर्थुरुल। तुम्हारा यौम हिसाबन करीब है। मैं उम्मीद से हूं। शादी की तैयारियां हो गई सब? हाइमा खानम के हुक्म से हमारे लिए खैमा तैयार किया गया है। अलपरगु के जरिए अर्थुरुल को मरवाने की साजिश भी यकीनन कुर्दोगलू के साथ मिलकर आपने ही तैयार की होगी, है ना?